प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़े थे क्लासिफिकेशन ऑफ हिस्ट्री। सबसे पहला था प्री हिस्ट्री, फिर प्रोटो हिस्ट्री, फिर हिस्ट्री था। तो प्री हिस्ट्री क्या था, हम आपको बताए थे, प्री हिस्ट्री में स्टोन एज था, प्रोटो हिस्ट्री में इंडस वैली सिविलाइजेशन था, और हिस्ट्री में एंशियंट मेडिवल और मॉडर्न था। तो आज हम लोग प्री हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। प्री हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री का दूसरा नाम जो है वो स्टोन एज है, ठीक है। प्री हिस्ट्री का दूसरा नाम स्टोन एज है। प्री हिस्ट्री जो हमारी या फिर स्टोन एज है, ये चार पार्ट में डिवाइड है। पहली जो है वो है पैलियोलिथिक, दूसरी जो है वो है मेजोलिथिक, मेजोलिथिक, तीसरी जो है वो हमारी नियोलिथिक है, और चौथी चार्कोलिथिक। पहली पैलियोलिथिक, दूसरी मेजियोलिथिक, तीसरी नियोलिथिक और चौथी चार्कोलिथिक। पैलियोलिथिक को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम है ओल्ड स्टोन एज, ओल्ड स्टोन एज। मेजोलिथिक को दूसरे नाम से जिससे जाना जाता है वो है मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। नियोलिथिक का दूसरा नाम है न्यू स्टोन एज, और चार्कोलिथिक का जो नाम है वो है कॉपर स्टोन एज। मतलब पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चार्कोलिथिक, इन सबका एक एक नाम और है। पैलियोलिथिक का नाम है ओल्ड स्टोन एज, मेजोलिथिक का नाम है मिडिल स्टोन एज, नियोलिथिक का नाम है न्यू स्टोन एज, और चार्कोलिथिक का नाम है कॉपर स्टोन एज। अब इसको याद करने का तरीका देखिए और समझ भी लीजिए। पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो जो ओल्ड स्टोन की एज था उसको बोला गया पैलियोलिथिक पीरियड। मेजोलिथिक का मतलब होता है, मेजो का मतलब होता है मिडिल, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो जो मिडिल वाला स्टोन एज था उसको बोला गया मेजोलिथिक, ठीक है। और नियो का मतलब होता है न्यू, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो नियो का मतलब न्यू, और लिथिक का मतलब स्टोन। तो जो न्यू स्टोन एज था उसको बोला गया नियोलिथिक। फिर चार्को का मतलब होता है कॉपर, लिथिक का मतलब होता है स्टोन। तो चार्कोलिथिक को बोला गया कॉपर स्टोन एज। अब इसे याद करना कैसे करना है, पैलियो का मतलब ओल्ड, ये देखिए यहाँ मेजो का एम और मिडिल का एम, मेजो और मिडिल दोनों एम से है, नियो का एन और न्यू स्टोन का एन, तो इसको बोलेंगे न्यू स्टोन या नियोलिथिक। चार्कोलिथिक का सी और कॉपर का सी, ये हो गया चार्कोलिथिक का कॉपर स्टोन एज, ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन स्टोन के बेसिस पे किया है, उस हिस्टोरियन का नाम है क्रिश्चियन, क्रिश्चियन फिर थॉमसन, क्रिश्चियन थॉमसन, सी थॉमसन जो है, इन्होंने ये स्टोन के बेसिस पे प्री हिस्ट्री का डिवीज़न किया है। कौन कौन सा है, पहला पैलियोलिथिक, दूसरा मेजोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक और चौथा चार्कोलिथिक, ठीक है। अब हम लोग पैलियोलिथिक पहले पढ़ेंगे, फिर मेजोलिथिक पढ़ेंगे, फिर नियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर चार्कोलिथिक पढ़ेंगे। पर पहला, सबसे पहला जो है वो है पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। देखिए, हम सभी लोग ये बोलते हैं कि हमारे पूर्वज कौन है, बंदर है, ठीक है। पर वो गलत होता है, बंदर नहीं थे, हम लोग के पूर्वज जो थे एप्स थे। ये बंदर जैसे दिखते हैं पर एग्जैक्टली बंदर होते नहीं हैं। तो ये एप्स लोग सबसे पहले अफ्रीका में रहते थे, ठीक है, अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका से ये लोग क्या किए, माइग्रेट किए, और माइग्रेट करके अफ्रीका से निकल के ये लोग एशिया के साइड आए, ठीक है। माइग्रेट क्यों किए, हो सकता है माइग्रेट करने का बहुत सारा रीज़न हो, लेकिन कुछ जनरल रीज़न जो होते हैं माइग्रेट करने के लिए, वो पहले क्या हो गया, सबसे पहला जो रीज़न है वो नेचुरल डिज़ास्टर हो गया, ठीक है। नेचुरल डिज़ास्टर, हो सकता है कोई नेचुरल डिज़ास्टर आया हो जिसके वजह से वो माइग्रेट कर रहे हों। दूसरा क्या हो सकता है, एडवेंचर के लिए माइग्रेट कर रहे हों, हो सकता है उनको वहाँ मज़ा ना आ रहा हो, ठीक है। चौथा लाइवलीहुड के लिए कर रहे हों, हो सकता है वहाँ पे खाना पीना उन्हें अच्छे से न मिल रहा हो जैसा उनको चाहिए। तो ये सारे रीज़न थे माइग्रेट करने के लिए। तो अब होता क्या है, ये लोग माइग्रेट करके अफ्रीका से निकलते हैं और एशिया में आते हैं। जब ये अफ्रीका से एशिया के जो बीच वाला टाइम है, इसी टाइम पे इनका एवोल्यूशन होता है। मतलब जब एप्स अफ्रीका से निकल के एशिया तक आ रहे थे, उसी के बीच में इनका इवोल्यूशन हुआ, ठीक है।
और जब इनका एवोल्यूशन हुआ तो ये एप्स क्या बन गए, ये बन गए ह्यूमन, मतलब जैसे हम लोग हैं। और ह्यूमन का जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, होमो सैपियंस, होमो सैपियंस। तो क्या हुआ, ये लोग एप्स, जितने भी एप्स थे अफ्रीका में वो लोग निकले, अफ्रीका से निकल के एशिया के पास आए, और एशिया जब तक वो लोग आ रहे थे उस टाइम के बीच में क्या हुआ, इनका एवोल्यूशन हुआ और वो क्या बन गए, ह्यूमन बन गए। ठीक है, अब जब ये ह्यूमन बन गए तो ये कहाँ पे पहुँच चुके हैं, अभी एशिया में, एशिया में ये लोग इंडिया की तरफ आ चुके हैं। तो जब ये ह्यूमन बन चुके थे उसी टाइम, जो टाइम उस टाइम का जो टाइम था वही टाइम कहलाता है पैलियोलिथिक, पैलियोलिथिक एज। और पैलियोलिथिक का दूसरा नाम क्या है, ओल्ड स्टोन एज। तो अब हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं कौन सी, पैलियोलिथिक की, पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज। अभी हम लोग पैलियोलिथिक पढ़ेंगे, फिर पैलियोलिथिक पढ़ने के बाद मेसो, फिर नियो, फिर चार्को। तो अभी हम लोग ये पैलियोलिथिक पहला स्टार्ट कर रहे हैं। तो पैलियोलिथिक के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये सब लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पे पीपल जो है रहना स्टार्ट कर दिए थे, पीपल स्टार्टेड लिविंग। ठीक है, मतलब ह्यूमंस थे। ह्यूमन की अगर ओरिजिन ट्रेस की जाए तो इसी पीरियड से जो है, पैलियोलिथिक जो पीरियड था, पैलियोलिथिक एज जो था, वहीं से ह्यूमन रहना स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, अब यहाँ पे कैसे लोग रहते थे, कैसे ह्यूमंस थे, तो ये लोग नोमैड थे। नोमैड, नोमैड का मतलब क्या होता है, मतलब ऐसे ही घूमना फिरना, खाना पीना सोना, अपना मन का रहना। ठीक है, इनकी कोई सेटल्ड लाइफ नहीं थी, यहाँ वहाँ टहलते रहते थे। ठीक, तो दो पॉइंट क्या हुआ, पहला आदमी लोग यहाँ रहना शुरू कर दिए ह्यूमन की तरह, दूसरा ये लोग नोमैड थे, मतलब इधर उधर टहलते रहते थे, कोई एक सेटल्ड लाइफ इनकी नहीं थी। ठीक है, अब देखिए, ये लोग सेटल्ड लाइफ नहीं है तो जाहिर सी बात है ये लोग क्या करते होंगे, हंटर होंगे, मतलब हंटिंग करके अपना पेट भरते होंगे, जानवरों को मारे और खा गए। ठीक है, या फिर दूसरा काम क्या करते होंगे, ये लोग गैदरर होंगे, गैदरिंग करते होंगे। गैदरिंग किस चीज़ की, देखिए मान लीजिए ये कोई प्लेस है, यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें फल लगे हुए हैं, तो ये लोग क्या करते थे, जहाँ पे पेड़ है वहाँ पे ये आदमी पहुँचा, कोई पैलियोलिथिक टाइम का आदमी। अब इस पेड़ में से, हर एक पेड़ में से कुछ कुछ तोड़ के रख लेगा अपने पास, इसको गैदर किया और खाया, और खाने के बाद वापस चला गया। तो जब तक इस पेड़ में फल है तब तक ये यहाँ रहेगा, उसके बाद चला जाएगा। तो इसी को बोला जाता है हंटिंग और गैदरिंग करके ये लोग अपना खाना खाते थे। ठीक है, अब अगर हंटिंग गैदरिंग करके खाना खा रहे हैं तो इससे क्या चीज़ क्लियर होती है, इससे एक बात जो हम लोग को अच्छे से समझ में आती है वो ये समझ में आती है कि एग्रीकल्चर प्रेजेंट नहीं था, एग्रीकल्चर इज अननोन, मतलब ये लोग एग्रीकल्चर नहीं जानते थे, खेती करना ये लोग नहीं जानते थे। ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैलियोलिथिक एज का। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या पैलियोलिथिक एज में जो भी रहता था वो लोग एग्रीकल्चर करना जानते थे, तो एक आंसर है नहीं, पैलियोलिथिक में जितने भी लोग रहते थे उनको एग्रीकल्चर करना नहीं आता था। और जो नेक्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है पैलियोलिथिक का, वो ये है कि इस टाइम पे फायर डिस्कवर हो चुकी थी, मतलब इस टाइम पे जो लोग रहते थे वो आग डिस्कवर कर दिए थे, आग की डिस्कवरी इस टाइम में हो चुकी थी, मतलब ये लोग आग जलाना जानते थे, कैसे आग जलाते हैं ये जानते थे। अब आग कैसे जलाते हैं, आज की तरह तो लाइटर है नहीं जो इनके जेब में रहेगा, वो लोग पत्थर को, दो पत्थर को रगड़ते थे और आग जलाते थे। ठीक है, दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, एग्रीकल्चर पता है, दूसरा फायर की डिस्कवरी हो चुकी है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो क्या चीज़ है, देखिए इन लोगों के पास जितने भी स्टोन थे, ठीक है स्टोन जितने थे, ये सारे स्टोन की साइज लार्ज थी। ठीक है, स्टोन रेगुलर यूज में ये लोग क्या करते थे, स्टोन का यूज करते थे, जैसे आग जलाना हुआ तो भी इनको स्टोन की जरूरत है। ठीक है, जानवर को मारना हुआ हंटिंग करने के लिए, हंटिंग करने के लिए अगर जानवर को मारना है तो भी ये लोग स्टोन का ही यूज करते थे, मतलब ये लोग स्टोन को एक टूल की तरह यूज करते थे, इसीलिए इस एज को क्या बोला गया है, स्टोन एज। ठीक है, पैलियोलिथिक पीरियड में इन लोग की जो स्टोन की साइज थी वो बहुत बड़ी थी, मतलब ये लोग बड़े बड़े स्टोन को यूज़ करते थे। ठीक है, अब स्टोन जो नेचुरल स्टोन होता था ये लोग उसी को यूज़ करते थे, मतलब ये लोग स्टोन को कोई शेप नहीं दिए थे, इनके पास जो स्टोन रहता था वो बड़ा था और कोई डेफिनेट शेप नहीं था,
या फिर कोई परफेक्ट शेप नहीं था। तो स्टोन नॉट हैविंग परफेक्ट शेप मतलब जो स्टोन ये लोग यूज़ करते थे उसका कोई शेप नहीं रहता, कोई भी पत्थर ज़मीन पे पड़ा हुआ है उसको उठा के एज अ टूल यूज़ करने लगते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर हो गई होगी बात। अब देखिए, एक जो सबसे नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है साइट्स। साइट्स मतलब ये लोग किस जगह पे रहते थे, कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे ये लोग रहा करते थे। तो देखिए, अब ये लोग क्या है, हंटर और गैदरर है, मतलब ये लोग शिकार करते हैं और फूड को इकट्ठा करके रख के खाते हैं उसको। ठीक है, और पानी का क्या है, पानी का अभी तक कुछ नहीं बताया गया है, अभी तक हमने कुछ नहीं बताया कि पानी ये लोग कहाँ से लेते थे। तो जाहिर सी बात है अगर ये लोग हंटिंग और गैदरिंग कर रहे हैं तो ये लोग नदी के किनारे ही रहना पसंद करते होंगे, इसीलिए इन लोग की जितनी भी साइट है सब रिवर के किनारे है। जैसे सबसे पहली कौन सी साइट है, वो है सोहन रिवर। सोहन रिवर के आसपास का जितना एरिया है वहाँ ये लोग रहते थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट साइट है उसका नाम है बेलन रिवर, बेलन रिवर। थर्ड जो रिवर है सबसे इम्पोर्टेंट वो क्या है, नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर। तो सोहन रिवर, बेलन रिवर और नर्मदा रिवर, इन तीनों रिवर के आसपास ये लोग रहते थे। ठीक है, और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट साइट है जहाँ पे ये लोग रहते थे उसका नाम है भीमबेटका केव, भीमबेटका केव। ये कहाँ पे है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एमपी मध्य प्रदेश में, इसको अभी आगे डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। भीमबेटका केव, भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में है और ये एक साइट है जहाँ पे ये सारे लोग रहते थे। अब देखिए, ये चीज़ें तो इतनी क्लियर हो चुकी होंगी आप लोग की। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो क्या है, ये जो हमारा पैलियोलिथिक पीरियड है, ये जिसको हम लोग ओल्ड स्टोन एज बोल रहे हैं, पैलियोलिथिक पीरियड, ये फिर सब डिवाइड है। मतलब देखिए, हमारा ये हो गया पैलियोलिथिक, ठीक है, फिर ये पैलियोलिथिक तीन पार्ट में डिवाइड है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, फिर मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड, और फिर अपर पैलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, मतलब हमारा पैलियोलिथिक पीरियड भी तीन पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन सा, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। अब देखिए, इंसान अपने आप को टाइम टाइम पे डेवलप करता हुआ आया है। ठीक है, तो पैलियोलिथिक जो एज है इसमें भी ये तीन पार्ट में डिवाइड करने का कोई रीज़न होगा। इस टाइम पे जो लोग रहते थे ये बिल्कुल गवार थे, कुछ नहीं आता जाता था। फिर जब ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में थोड़ा टाइम बीता है तो यहाँ के लोग थोड़े से समझदार हुए। फिर जब मिडिल से ये अपर पैलियोलिथिक वाला पीरियड आया तो यहाँ पे ये और थोड़ा डेवलप हुए। तो यही एक टाइम पीरियड था जहाँ से एक ह्यूमन का इवोल्यूशन और स्मार्ट वे में होते गए। तो अब देखिए, यहाँ के बारे में क्या है, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड, इसमें कुछ नहीं जानना है, बस ये जानना है कि इस टाइम पीरियड पे ये लोग कहाँ कहाँ रहे हैं। तो लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है इस टाइम पे ये लोग कहाँ रहे हैं, देखिए, पाकिस्तान में, पाकिस्तान का थोड़ा पार्ट, पंजाब में, ठीक है, कश्मीर में रहे और बेलन वैली, जो ऊपर पढ़े आप लोग बेलन रिवर के किनारे, मतलब बेलन वैली, ये इतनी जगह इन लोग की साइट थी कहाँ पे, लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में। फिर मिडिल पैलियोलिथिक में ये लोग कहाँ कहाँ रहे, नर्मदा वैली, नर्मदा वैली, और साउथ में एक रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है तुंगभद्रा, तुंगभद्रा रिवर। मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में किस किस जगह है, नर्मदा वैली में, और साउथ में एक रिवर बहती है जिसका नाम है तुंगभद्रा रिवर। ठीक है, अब अपर पैलियोलिथिक पीरियड जो है वहाँ पे कहाँ कहाँ रहे, देखिए वहाँ पे कैसे रहे, आंध्र प्रदेश में रहे, ठीक है, एपी मतलब आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक, कर्नाटक में रहे हैं, महाराष्ट्र में रहे हैं, और ये देखिए अपर
पैलियोलिथिक पीरियड जो है यहाँ पे ये एमपी में रहे हैं। एमपी में कौन सी जगह अभी हम बताए हैं, भीमबेटका केव, ये भी बताया ना भीमबेटका केव। तो भीमबेटका केव जो मध्य प्रदेश में है ये कौन से टाइम पीरियड की है, ये है अपर पैलियोलिथिक पीरियड की। तो हो सकता है एग्जाम में आपको कुछ साइट्स का नाम दे दे और उसको मैच द फॉलोइंग में करने के लिए दे दे कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कौन सी है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ सकता है, मैच द कॉलम में पूछ लेगा किस तरीके से। हो सकता है कश्मीर का नाम दे दे, ठीक है, नर्मदा वैली का नाम दे दे और यहाँ कर्नाटक का नाम दे दे, और क्या क्या लिखा रहा है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, ये तीनों पीरियड का नाम एक साइड लिख देगा और जगह का नाम लिख देगा और सही मैच करने के लिए क्वेश्चन दे सकता है। तो ये चीज़ आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा कि लोअर पैलियोलिथिक पीरियड में कहाँ थे, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में कहाँ थे और अपर पैलियोलिथिक पीरियड में कहाँ थे। अब इतना करने के बाद ये आपका पैलियोलिथिक पीरियड जो है ये आपका पूरा हो चुका है। अब सिर्फ जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप लोग को पढ़नी है वो है भीमबेटका केव के बारे में, क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, ठीक है। तो अगला जो चीज़ है वो है भीमबेटका केव, भीमबेटका केव, ठीक है, भीमबेटका केव। भीमबेटका एक मध्य प्रदेश में जगह है, एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश में किस जगह, भोपाल के पास, ठीक है, भोपाल, नियर भोपाल, मध्य प्रदेश में भोपाल के पास एक गुफा है, उस गुफा का नाम है भीमबेटका केव। अब इस गुफा की खासियत क्या है कि ये इस गुफा में जब ये लोग रह रहे थे तो इस टाइम की ये लोग पेंटिंग बनाए हुए हैं, ठीक है। भीमबेटका केव के अंदर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई हैं, टोटल जो पेंटिंग है वो 500 पेंटिंग्स हैं। मतलब सोचिए इन लोग के पास रहने खाने का ठिकाना नहीं है, जगह जगह घूम घूम के खा पी रहे हैं, लेकिन आर्ट एंड क्राफ्ट करने का पूरा टाइम है। मतलब ये लोग पेंटिंग अच्छी खासी की और 500 पेंटिंग बनाया, ठीक है, पहली चीज। फिर और एक भीमबेटका केव के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, देखिए अब 500 पेंटिंग की हैं तो कलर भी होगा, कौन कौन से कलर इन लोग के पास थे, टोटल 16 कलर्स की ये लोग यूज़ किए थे पेंटिंग बनाने में, ठीक है, 16 कलर थे। अब क्या उस टाइम पे कलर था, नहीं, ये लोग नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके कलर बनाते थे, ठीक है, नेचुरल चीज़ों का यूज़ करके लोग कलर बना रहे। अब नेचुरल चीज़ें में ये लोग क्या क्या यूज़ किए थे, देखिए एग, एग में कौन कौन होता है, वाइट पोर्शन होता है और येल्लो होता है, तो वाइट और येल्लो कलर ये लोग एग से निकालते थे, ठीक है। और फिर उसके बाद कुछ मिनरल्स का कलर लेते थे ये लोग, ठीक है, एनिमल फैट, ये इतनी चीज़ों का ये लोग, और भी बहुत सारी चीज़ें वो उतना दिया ही नहीं है बुक में, एनसीईआरटी में और अदर जो रिसोर्सेज हैं उसमें बस इतना ही दिया है, 16 कलर यूज़ करते थे जिसमें से एग का वाइट और येल्लो वाला पोर्शन, कुछ मिनरल्स यूज़ करते थे और एनिमल फैट यूज़ करते थे। ये इतनी चीज़ ये लोग यूज़ करके पेंटिंग बनाए और टोटल 500 पेंटिंग बनाए, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि इन लोग की पेंटिंग एकदम अच्छी हुआ करती थी, पेंटिंग में ये लोग कुछ इस तरीके से बनाते थे, ये ऐसा बना दिया, ये और ये इनका जानवर हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की ये लोग पेंटिंग बनाते थे, मतलब बहुत क्लियर पेंटिंग नहीं थी, बस देख के समझ में आ जाता था कि ये पेंटिंग कैसे है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की लोग पेंटिंग बनाए थे भीमबेटका केव में, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल के पास है। टोटल 500 पेंटिंग्स पाई गई हैं यहाँ पे, उस पेंटिंग्स में 16 कलर का यूज़ किया गया है, और वो कलर किस किस चीज़ से बनते थे, एग से बनते थे, मिनरल से बनते थे और एनिमल फैट का यूज़ होता था, ठीक है। अब ये जितना अभी तक हम बताएं ये पूरा आपका हो गया है पैलियोलिथिक पीरियड का पूरा सोर्स। इससे ज़्यादा पैलियोलिथिक पीरियड में कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ लोग को लग रहा होगा कि टाइम पीरियड नहीं बताएं, टाइम पीरियड का देखिए इस टाइम का जितनी भी चीज़ें हैं ये सब सिर्फ एक अज्यूम की हुई हैं, कोई परफेक्ट या कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं मालूम है किस चीज़ का है। आप कोई भी रिसोर्सेज का यूज़ कर लीजिए टाइम बस जानने के लिए, आप एनसीईआरटी यूज़ कर सकते हैं या नेट पे भी आपको खोजने पे मिल जाएगा इस टाइम, इसका टाइम के पीछे मत परेशान होइए, डेट के पीछे मत परेशान होइए, यहाँ से डेट के बारे में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि ये अभी तक खुद नहीं क्लियर हो पाया कि किस टाइम का है, तो डेट नहीं पूछेगा एग्जाम में। अगर फिर भी आप लोग को जानना है तो सर्च कर लीजिएगा, आप लोग इंटरनेट पर सब कुछ अवेलेबल है। अब देखिए अभी तक जितनी चीज़ें हुई हैं उसका हम लोग क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ क्या थी, हम लोग हिस्ट्री का जो है क्लासिफिकेशन पढ़े हुए थे, ठीक है। हिस्ट्री क्लासिफिकेशन क्या था, प्री हिस्ट्री था, प्रोटो हिस्ट्री था और हिस्ट्री था। प्री हिस्ट्री में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं कि प्री हिस्ट्री का ही दूसरा नाम क्या है, स्टोन एज। प्रोटो हिस्ट्री का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम नहीं, प्रोटो हिस्ट्री में हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, और हिस्ट्री हमारी तीन पार्ट में डिवाइड है, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न, ठीक है। फिर प्री हिस्ट्री में हम लोग को प्री हिस्ट्री का ही दूसरा नाम है स्टोन एज। स्टोन एज हम लोग का फिर चार पार्ट में डिवाइड है, पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक, नियोलिथिक और चार्कोलिथिक।
पैलियोलिथिक का दूसरा नाम ओल्ड स्टोन एज है, मेजोलिथिक का दूसरा नाम मिडिल स्टोन एज है, नियोलिथिक का न्यू स्टोन एज है, चार्कोलिथिक का कॉपर और स्टोन एज है। आज हम लोग क्या पढ़े, आज हम लोग पढ़े पैलियोलिथिक। और पैलियोलिथिक पढ़ने से पहले हम क्या बताएं कि इंसान आखिर आया कैसे इस टाइम में। तो इंसान कहाँ से आया, इंसान जो है इवॉल्व हुआ है। किस चीज़ से इवॉल्व हुआ है, एप से। एप से इवॉल्व होकर हम लोग क्या बने, ह्यूमन बने। जब ह्यूमन बन चुके थे तो कौन सा टाइम पीरियड चल रहा था, वो टाइम पीरियड चला था पैलियोलिथिक एज का, यानी स्टोन एज का, ओल्ड स्टोन एज का। अब देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये था कि ह्यूमन इस टाइम तक आ चुके, तो सबसे पहली लाइन क्या, पीपल स्टार्टेड लिविंग एज ए ह्यूमन, ह्यूमन की तरह हम लोग रहना शुरू कर दिए थे। और हम लोग कैसे थे, नोमैड थे, मतलब एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेट करते रहते हैं। कैसे माइग्रेट कर रहे थे, अब आप देख लीजिए, यहाँ पे हम बताए थे लोअर पैलियोलिथिक पीरियड, मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड और अपर पैलियोलिथिक पीरियड। यहाँ पे पाकिस्तान में रह रहा है, पंजाब में रह रहा है, कश्मीर में रह रहा है, यहाँ पे नर्मदा वैली में रह रहा है, और साउथ के तुंगभद्रा रिवर के पास रह रहा है। अपर में आंध्र प्रदेश में रह रहा है, कर्नाटक में रह रहा है, और महाराष्ट्र के एमपी जगह पर रह रहा है। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इस पीरियड में हम लोग खाली मूव कर रहे थे या माइग्रेट कर रहे थे एक जगह से दूसरे जगह। ऐसे लोग जो एक जगह सेटल होकर नहीं रहते उन्हीं को बोलते हैं नोमैड। ठीक है, अगली चीज़ क्या पढ़े हम लोग, कि हम लोग हंटर और गैदरर थे, मतलब हम लोग खाना इकट्ठा करके रख के खाते थे या फिर हंटिंग किया करते थे। और इससे क्या मतलब पता चलता है, इससे ये मतलब निकल के आ रहा है कि एग्रीकल्चर हम लोग उस टाइम नहीं जानते थे। और जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि फायर की डिस्कवरी हो चुकी थी, मतलब इस टाइम पे जो लोग रह रहे थे उनको आग जलाना आ चुका था। और उस टाइम के स्टोन कैसे थे, ये लोग नेचुरल स्टोन का ही यूज़ करते थे। नेचुरल स्टोन मतलब जिस साइज़ का स्टोन मिल जाए उसी साइज़ का स्टोन यूज़ करते थे, स्टोन की कोई परफेक्ट शेप नहीं थी। लेकिन जनरली जो स्टोन पाए गए हैं वो लार्ज स्टोन हुआ करते थे, उनकी साइज़ काफ़ी बड़ी रहती थी। अब इस टाइम के लोग रहते किस किस जगह थे, जनरली ये लोग नदी के किनारे रहते थे, क्योंकि खाने पीने की चीज़ें तो ये लोग हंटिंग और गैदर करके स्टोर कर लेंगे, लेकिन पानी के लिए कोई इंपॉर्टेंट सोर्स चाहिए था। तो ये लोग कहाँ रहते थे, सोहन नदी के किनारे, बेलन नदी के किनारे और नर्मदा रिवर के किनारे। और फिर उसके बाद क्या था, भीमबेटका केव सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी, सबसे इंपॉर्टेंट साइट क्या है, भीमबेटका केव है। भीमबेटका केव के बारे में हम लोग क्या क्या पढ़े, भीमबेटका केव मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में किस जगह, भोपाल के पास है। ठीक है, और भीमबेटका केव में टोटल 500 पेंटिंग्स पाई गई हैं जिसमें 16 कलर का यूज़ हुआ है। और ये कलर ये लोग कहाँ से बनाते थे, वाइट कलर और येलो कलर इन लोग को एक्स से मिलता था, और बहुत सारे कलर ये लोग मिनरल का यूज़ करके बनाते थे, और एनिमल फैट से बहुत सारे कलर ये लोग बनाते थे। तो हमारे पैलियोलिथिक पीरियड में बस इतना ही है। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा, अगर लेक्चर पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अच्छा लग रहा हो हम लोग का पढ़ाया हुआ चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू।